आई वंडर, मैं सोचता हूँ। अगर हम इस पोयम के बारे में बात करें तो यह एक एनोनिमस पोयम है, मतलब इसे किसने लिखा है इस बारे में जानकारी नहीं है। तो अब इसके साथ हम शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन, मैं सोचता हूँ कि घास हरी क्यों है, एंड व्हाई द विंड इज नेवर सीन, और क्यों हम हवा को नहीं देख पाते हैं। हु टॉट द बर्ड टू बिल्ड अ नेस्ट, किसने पक्षियों को सिखाया कि वह अपना घोंसला बनाए, एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, और पेड़ को किसने सिखाया कि वह आराम करे। ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, और किस समय चांद गोल नहीं होता है। वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, और कहां पे हम मून के उस छोटे से टुकड़े को प्राप्त कर सकते हैं। हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट, और जब तारों की रोशनी खत्म हो जाती है तो उनमें रोशनी कौन भरता है। एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, और जो लाइटनिंग होती है, जो बिजली कड़कती है, उसे कड़कना कौन सिखाता है। हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, और आसमान में जो इंद्रधनुष होते हैं उन इंद्रधनुष को कौन रंगता है। एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई, और कौन है वो जो आसमान में हल्के फुल्के बादलों को टांगता है। Why is it now? Do you suppose that dad won't tell me if he knows? क्या तुम्हें पता है कि ऐसा कौन करता है? अगर मेरे पिताजी को भी पता होता तो वो अभी मुझे नहीं बताते। तो इस पोयम में बताया गया कि हमारे अगल बगल में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन उसके होने का कारण क्या है यह हमें अभी तक नहीं पता। स्लीप, सोना। हम क्यों सोते हैं, और क्या इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन लोगों का सोने का समय एक जैसा है? क्या हम सपने देखते हैं, और अगर हम सपने देखते भी हैं तो वह हमें पसंद आता है या नहीं, और हम सपने क्यों देखते हैं? यह कुछ सवाल है जो हमें सोने के दौरान आता है। अब इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारी आज का चैप्टर, स्लीप, नींद या फिर सोना। सभी लोगों को पता है कि हम क्यों सोते हैं, लेकिन हमारे सोने का कारण क्या है कि हम सब लोगों को सोने की जरूरत होती है, क्योंकि सोने से हमारा बॉडी और ब्रेन, हमारा शरीर और दिमाग का विकास होता है। हमारे बॉडी को नींद चाहिए ताकि हम हेल्दी रहे और बीमारी से लड़ सके। सोने के दौरान हमारे मसल्स, बोन और स्किन बढ़ते हैं, साथ ही साथ हमारे मसल और स्किन में अगर किसी तरह का चोट लगा है तो वह भी ठीक होता है। हमारे दिमाग को भी सोने की जरूरत होती है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो जिन जिन चीजों के हम लोगों ने दिन में किया है वह सारी की सारी बातें हमारे दिमाग में आती है और हमें बेहतर तरीके से याद हो जाती है। साथ ही साथ क्या होता है, अगर हम नींद लेते हैं पढ़ाई करते समय या किसी और चीज को करते समय अगर हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक लेने के बाद हम उठते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो और भी ज़्यादा अटेंटिव हो जाता है और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ हम पढ़ाई कर सकते हैं या हमारे जो भी काम है हम उस काम को कर सकते हैं। यह बात बिल्कुल भी फिक्स नहीं है या यहाँ पे किसी भी तरीके का रूल्स नहीं होता है कि हमें कितनी देर की नींद की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर हम बात करें एवरेज एडल्ट स्लीप, मतलब जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं
उन्हें कितना सोना चाहिए? तो वह जो हमारा कैट नैप होता है, थोड़े देर के लिए 20 या 25 मिनट के सोते हैं, तो हम लोग बीच में भी ऐसा नींद ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो 8% एडल्ट होते हैं वह 5 घंटे या उससे कम सोते हैं। वही दूसरी ओर 4% लोग ऐसे हैं जिन्हें 10 घंटा या उससे ज़्यादा देर सोने की आदत होती है। वही अगर हम बच्चों के बारे में बात करें जिनकी उम्र 5 से 12 साल होती है, तो उन्हें कम से कम 10 से 11 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। वही उससे कम उम्र के बच्चे, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के बारे में अगर हम बात करें, तो उन्हें 14 से 18 घंटे तक की नींद की जरूरत होती है। लेकिन वही हम बात करें बड़े लोग, जिन लोगों की उम्र 30 या 40 से ऊपर है, तो वो लोग क्या करते हैं, नैप लेते हैं। क्या करते हैं? नैप लेते हैं, क्योंकि जितने भी एडल्ट्स होते हैं उन सब लोगों को कोई ना कोई काम करना पड़ता है, जो ज़्यादातर वह रात को करना पसंद करते हैं। तो उस काम के दौरान बीच बीच में नैप लिया जाता है। नैप मतलब 20 से 25 मिनट की नींद। हमारा स्लीप साइकिल होता है, मतलब हम किस दौरान सोते हैं। तो बेसिकली 5 स्टेजेस होते हैं जब हम सोते हैं, और हर एक स्टेज 90-90 मिनट का होता है, और यह 5 से 6 बार रिपीट होता है पूरी रात में। स्टेज 1 से स्टेज 2 के टाइम में हम लोग सोते नहीं है, मतलब हम लोग सो रहे होते हैं लेकिन हम लोग गहरी नींद में नहीं होते हैं। वही दूसरी ओर स्टेज 3 और स्टेज 4 में हम लोग गहरे नींद में, डीप ब्रीद में चले जाते हैं, और हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है और हार्ट रेट, सांस लेने का दर और दिल धड़कने का दर, वह बहुत ही धीमा हो जाता है, और हमारा शरीर मोशनलेस हो जाता है। इसमें किसी भी तरीके की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है। वही अगर हम 5th स्टेज के बारे में बात करें, तो हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है और हम सपने देखते हैं। और वैसा समय जब हम सपने देखते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा रैपिड आई मूवमेंट होता है, और इसी रैपिड आई मूवमेंट के कारण क्या होता है, हमारा जो आईलिड्स है, आंखों की में जो आईलिड्स होते हैं, जो ब्लैक कलर का पार्ट होता है, वह ऊपर चला जाता है, हमारे आंखों के ऊपर चला जाता है। अगर हम बात करें नॉर्मल स्लीप के बारे में, तो ये 2 फेज में होता है, 2 चरण में होता है, जिसमें पहला चरण हो गया, पहला पार्ट हो गया, जब हम किसी भी तरीके का कोई भी सपना नहीं देखते हैं, यह रात का अर्ली पार्ट है, शुरुआती पार्ट है। वही अगर हम बात करें दूसरे पार्ट के बारे में, तो जो हमारा लेटर पार्ट है, उस पीरियड में हम लोग सपने देखते हैं। और अगर इस दौरान अगर हम कभी उठ भी जाए तो हमने क्या सपने देखे, वह सपने हमें याद भी होते हैं। लेकिन जब हम सो जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती है, हमारे बॉडी का जो फंक्शन है वो धीमा हो जाता है, साथ ही साथ हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दिन के 24 घंटे होते हैं, तो उस दौरान हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और घटता है। अगर हम बात करें हमारा बॉडी का टेम्परेचर सबसे कम कब रहता है, तो रात के दौरान, वही दोपहर के समय हमारा बॉडी का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। अगर हमें अच्छे तरीके से नींद आती है, अगर हम अच्छे तरीके से सोते हैं, तो हम स्कूल में भी बेहतर परफॉर्मेंस दे पाते हैं, हम क्रिएटिव होते हैं, हमारे दिमाग में नई नई तरह के आइडियाज आते हैं, हम बीमारी से लड़ते हैं, हम हेल्दी रहते हैं, हमारा मूड भी अच्छा होता है, साथ ही साथ हम अपने परिवार के सदस्य और अपने दोस्तों के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन वही अगर दूसरी ओर अगर हमें प्रॉपर नींद ना आए, तो हम कुछ याद भी नहीं कर पाते हैं, किसी भी तरीके का डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं, हमेशा हमारा मूड खराब होता है, हम गेम भी सही ढंग से नहीं खेल पाते हैं, हम अपने पेरेंट्स और टीचर की बातों को भी सही ढंग से नहीं सुन पाते हैं। और अगर हम बात करें तो हमारे दोस्त हो गए या भाई बहन हो गए, तो उन लोगों से भी हम लोग धैर्य से बात नहीं कर पाते हैं, हम थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है जब लोगों को सोने के समय बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है।
लेकिन वही अगर हम बात करें तो अगर हम कम सोते हैं, मतलब 4 घंटे या 5 घंटे के आसपास भी सोते हैं, तो कुछ खास हमें नुकसान नहीं पड़ता है, बस हम थोड़े थके हुए और चिड़चिड़े हो जाते हैं अगले दिन, जिससे हमारा बॉडी प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाता है। इसलिए हम लोगों को यह बात को दिमाग में रखना चाहिए कि हमें अच्छे तरीके से प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, क्योंकि एक दिन अगर आप रात को रात भर जाग जाते हो तो एक दिन नींद ना पड़ने से आपके शरीर को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर हमेशा आप रात भर जगते हो और 2 से 3 घंटे सोते हो तो आपके बिहेवियर में बहुत तरह का चेंज आ जाएगा। हो सकता है कि आपका कंसंट्रेशन पावर कम हो जाए, आप सही ढंग से जजमेंट ना ले पाओ क्या आपके लिए सही है क्या आपके लिए गलत है, आप अजीब अजीब चीज़ों को आप सोचने लगोगे और इसी तरीके से आप में बहुत तरह के बदलाव आएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सोने में समस्या होती है, कुछ लोग तो सो भी नहीं पाते हैं और कुछ लोग रात को सोते सो रहे होते हैं तो अचानक से जाग जाते हैं, या फिर रात को देर से सोए और सुबह जल्दी जाग पाए। इनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से कॉमन कारण है चिंता करना या फिर किसी बात का डिप्रेशन होना। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे रात के समय किसी भी तरीके का आवाज, अगर आप सोए हुए हो और लाइट जल रही है तो उसमें भी आप लोग को सोने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए जब कभी भी हम सोते हैं तो हमें लाइट बंद करके सोना चाहिए। फिर हो सकता है गर्मी ज़्यादा लग रही हो तो भी नींद नहीं आता है, अगर हमें ठंडा ज़्यादा लग रही हो तो भी हमें नींद नहीं आता है, या अगर हम किसी नई जगह गए हो तो भी हमें नींद नहीं आता है। वही अगर हम बात करें बीमारी के समय में, हमारे शरीर में जो दर्द होता है उसके कारण भी लोग सही ढंग से सो नहीं पाते। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नींद नहीं आती है, और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें स्लीपिंग पिल्स की आदत हो जाती है, मतलब वह दवा लिए बगैर वह सो नहीं पाते हैं। कोई कोई तो ऐसा है जिनके ऊपर स्लीपिंग पिल्स भी असर नहीं करती है और उन्हें इनसोमनिया हो जाता है। इनसोमनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों को रात को नींद नहीं आती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने का सिंपल उपाय है, हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की कोशिश करनी चाहिए और हमारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको हमारी ज़िंदगी से हटाना चाहिए, क्योंकि हमारे स्लीप साइकिल अगर बेटर नहीं होगा तो हमारा जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शन भी नहीं कर पाएगा। द राजास ड्रीम, राजा के सपने। क्या कभी आपको किसी भी तरीके का कोई मजाक या और अजीब सपना आया है? इसके बारे में आप अपने दोस्तों से बात कीजिए, और क्या वो सपने कभी आपके रियलिटी, आपके रियल लाइफ से जुड़ सकते हैं? तो इसी के साथ आप शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में एक राजा कृष्णचंद्र के बारे में बताया जाता है, जिनके पास बहुत सारे कोर्टियर्स थे जो उनके कोर्ट में काम करते थे, और वह हमेशा किसके बारे में शिकायत करते? तो गोपाल के बारे में, क्योंकि गोपाल के बारे में अगर बताया जाए तो वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे दूसरों का मजाक उड़ाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। शायद ही कोर्ट में कोई एक ऐसा होगा जिसके साथ गोपाल ने एक या एक से ज्यादा बार मजाक ना करके उन्हें बेवकूफ ना बनाया हो। वही दूसरी ओर राजा को भी यह बात पता था, जिसके कारण बहुत सारे ऑब्जेक्शन होने के बाद भी राजा उन्हें हमेशा एक हाई रैंक पोस्ट में रखते हैं गोपाल को। एक दिन की बात है जब कृष्णचंद्र ने यह डिसाइड किया कि वह गोपाल की बातों से अपने आप का मनोरंजन करेंगे। तो एक दिन की बात है जब गोपाल राजा के कोर्ट में आता है तो राजा गोपाल से बोलता है कि पता है गोपाल, मैंने एक अजीब सपना देखा। और
यह बात सुनते ही जितने भी सारे लोग थे सब शांत हो जाते हैं कि भाई राजा ने सपना देखा तो क्या देखा। राजा बोलते हैं कि मैंने देखा गोपाल कि तुम और मैं साथ में चल रहे थे और हम लोग एक ऐसे जगह पहुंचे जहां पे दो पुल थे। एक पुल पूरी तरह से खीर से भरा हुआ था, वही दूसरी ओर अगर हम दूसरे पुल के बारे में बात करें तो वहां पे बहुत ज़्यादा गंदगी थी। और अचानक से क्या होता है कि मैं उस खीर वाले पुल जिसे बहुत सा दूर था वहीं गिर गया और तुम उस कीचड़ वाले पुल के पास गिर गए। यह बात सुनते ही सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा हंसने लगे, क्योंकि सारे के सारे लोगों को यह बात तो पता था कि राजा ने उसके साथ एक मस्खरापन के एक मजाक किया, जिसके कारण गोपाल सिर से पांव तक लज्जित हो जाता है। तो उसी के बाद गोपाल खड़ा होता है और शांति के साथ बोलता है कि रुकिए रुकिए, सारे के सारे लोग रुकिए, क्योंकि वह इंतजार कर रहे थे अपनी बारी कुछ बोलने का। और जब सारे के सारे लोग रुकते हैं, जिसके बाद गोपाल बोलता कि महाराज मैंने भी एक ऐसा ही सपना देखा था, जिस सपने को आपने देखा उस सपने को मैंने भी देखा था। अब सवाल पूछते हैं राजा, तो क्या हुआ गोपाल? तो बोलते हैं कि जैसा सपना आपने देखा वैसा सपना मुझे ही आया था। तो गोपाल बोलता हाँ महाराज, लेकिन आपका सपना तो जल्दी खत्म हो गया, वही दूसरी ओर अगर मेरा सपना जो था वह थोड़े लंबे समय तक चला। मैंने क्या देखा कि हम दोनों के दोनों पुल से बाहर आ रहे हैं और आप पूरी तरीके से खीर में लिपटे हुए थे, वही मैं पूरी तरीके से कीचड़ में लिपटा हुआ था। और उसके बाद मैंने क्या देखा कि आप मुझे चाटने लगे और मैं आपको चाटने लगा, एक दूसरे को हम लोग साफ करने लगे। मतलब मैं तो आपको चाट के खीर खाने लगा, लेकिन आप मुझे चाट करके कीचड़ को खाने लगे। अब इस बात को सुनकर के तो कोटियस सारे के सारे लोग हक्का बक्का रख गए, लेकिन वही दूसरी ओर सब लोगों ने देखा कि राजा को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि राजा अच्छे मूड में थे और उन्हें गोपाल के द्वारा जो उनकी टांग खिंचाई की गई इस बात से उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। और सारे के सारे लोग के सामने राजा गोपाल की इस बुद्धि पे हंसने लगे। अगर हम इस कहानी के बारे में बात करें तो इसे रूपा गुप्ता के द्वारा लिखी गई एक बुक गोपाल बैंड द जेस्टर फ्रॉम बंगाल, मतलब गोपाल बंद एक मजाकिया एक मस्खरा बंगाल का, उससे लिया गया है। आइसक्रीम मैन आइसक्रीम बेचने वाला, जिसे लिखने वाली रेचल फील्ड है। इस पोयम को शुरू करने से पहले कुछ सवाल है जिनके जवाब लेखिका आपसे मांगती है कि किन मौसमों में हम आइसक्रीम खाते हैं और आपको आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर पसंद है? साथ ही साथ आप आइसक्रीम कहाँ से खरीदते हो? तो इन सवालों के साथ हम शुरू करते हैं हमारी आज की पोयम आइसक्रीम मैन। When summer is in the city, जब गर्मी का मौसम शहर में आ जाता है, and bricks blaze off it, और हमारे घर की जो ईंटें हैं, वह बहुत ही ज़्यादा लौ मारती है। The ice cream man with his little cart, ice cream man अपने छोटे से गाड़ी में goes trundling down the street, वह गलियों में आवाज के साथ धीरे धीरे ढोलकता हुआ आता है। Beneath his umbrella, उसके छत के नीचे, ओह what a joyful sight, कितना अच्छा दृश्य है। To see him fill the cones with mud, कि किस तरीके से वो आइसक्रीम के जो कोन है उसको पूरी तरीके से भर देता है आइसक्रीम से। Of cooling brown
एंड व्हाइट, जो कि भूरे और सफेद रंग का होता है। वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक। और उसके पास ठंडी ठंडी चीजें होती है पीने के लिए, जैसे कि वेनिला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फ्रीज। और उसके पास बॉटल होता है जिसे बहुत ही ठंडे ठंडे चीजें होती है, शीतल पेयजल होते हैं, ठंडी ठंडी चीजें जिन्हें हम पीते हैं। ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक, कौन कौन से रंग के? तो ग्रीन कलर के, ऑरेंज कलर के, व्हाइट कलर के और पिंक कलर के। हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड, उसका जो गाड़ी है वह जरूर फूलों का एक बिस्तर होगा। ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस, जिसमें गुलाब के फूल है और मीठे मीठे बादाम है। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर अराउंड, जिस तरीके से बच्चे उसकी गाड़ी के चारों ओर आते हैं, एज थिक एज हनी बीज, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मधुमक्खियां मधुमक्खी के छत्ते के पास घूमती है, उसी तरीके से बच्चे उसके आइसक्रीम के गाड़ी के पास घूमते हैं। वन टू थ्री। कुछ लोग अपनी बॉडी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे उंगलियां, आंख और फेशियल एक्सप्रेशन अपनी किसी बात को बताने के लिए। क्या आप कभी इस तरीके की किसी पर्सन से मिले हैं? अगर मिले हैं तो कहाँ मिले हैं? अगर आपको ऐसे लोगों से बात किया जाने का मौका मिले जो सिर्फ साइन लैंग्वेज समझते हैं, तो उसे आप कैसे समझेंगे? इन्हीं कुछ सवालों के साथ अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी वन टू थ्री। एक समय की बात है, एक अमीर और शक्तिशाली राजा रहता था। उसे लगता था कि इस दुनिया में उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, लेकिन वह यह बात किसी को नहीं बताता है। एक समय की बात है कि वह सोचने लगा कि वह जो राजा है वह क्या सोच रहा है, क्या उसका कोई गैस अनुमान लगा सकता है। इसलिए उन्होंने अपने जितने भी ऑफिसर्स थे और जितने भी सर्वेंट्स थे, सब लोगों को बोला कि बताए कि उनके दिल में क्या है। बहुत सारे लोगों ने उस चीज को गेस करने की कोशिश की, लेकिन राजा किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं था। तभी राजा अपने एक मिनिस्टर को बोलता है कि एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जो मैं मन में क्या सोच रहा हूं वह मुझे बता सके। और राजा ने अपने मिनिस्टर को 1 महीने का समय दिया था उस आदमी को ढूंढने के लिए। अब यहाँ पर मिनिस्टर चारों ओर ढूंढ रहा है, सारी जगह ढूंढ रहा है, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो राजा के माइंड में क्या चल रहा है वह बता सके। अब जैसे मंथ का एंड आता है तो मिनिस्टर जो है वो बहुत ज्यादा डेस्परेट होने लगता है, निराश या फिर परेशान होने लगता है। लेकिन वह दूसरी ओर उनकी बेटी मनोबल बढ़ाती है और वो बोलती है कि वह एक ऐसे आदमी को ढूंढ के लाएगी जो यह काम कर सकता है। जिस पर मिनिस्टर बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, ढूंढ दोगी तो ज्यादा बढ़िया होगा मेरे लिए। बेटा तुम एक काम करो, मेरे लिए एक ऐसा आदमी ढूंढो जो यह मेरा काम कर सके। तब बेटी ने इस जिम्मेदारी को उठा ली। अब दिन आ गया था, मिनिस्टर की बेटी क्या करती है, एक बेवकूफ को अपने घर लेके आती है, जो कि एक क्या था, एक शेफर्ड था, एक चरवाहा था जो भेड़ बकरी को चराता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वह जो लड़का है उससे उसके फादर पूछते हैं कि कौन है, तो उसके बारे में उसकी बेटी सारी जानकारी बताती कि यह शेफर्ड है। तो क्या करता है वह मिनिस्टर, उस शेफर्ड को राजा के पास लेके जाता है। वही दूसरी ओर जब मिनिस्टर इस बात को सोचता है तो उसे थोड़ा अपने जो सोच है कि आगे क्या होगा उस पर थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन उसे अपनी बेटी पे पूरा ज्यादा विश्वास था। और इस तरीके से उस शेफर्ड को वह राजा के कोर्ट में
लेके चला जाता है। जब कोर्ट की शुरुआत होती है तो मिनिस्टर उस शेफर्ड को राजा के सामने बोलता है और बोलता है, यह आपके मन की सारी बात को जान सकता है। तो जब शेफर्ड अपनी नजरों को उठाता है तो राजा उसकी तरफ एक उंगली करता है, जिस पे शेफर्ड उनके सामने दो उंगली कर देता है। अब राजा तीन उंगली उठाता है, जिस पे वह शेफर्ड या फिर वह जो मूर्ख था वह अपने सिर को बहुत ही जोर से और गुस्से से हिलाता है और वहां से चला जाता है। अब यहाँ पे मिनिस्टर को तो कुछ समझ में नहीं आया था कि हुआ तो हुआ क्या, तो वह राजा से माफी मांगने लगता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। अब उस पर क्या होता है, यहाँ पे राजा बोलते हैं, जब मैंने एक उंगली उठाया तो उस आदमी से मैंने पूछा था कि क्या इस दुनिया में मैं ही इकलौता राजा हूं, जिस पे उस आदमी ने दो उंगली उठाई, जिससे उसने मुझे यह याद दिलाने की कोशिश की कि नहीं, एक और भी है जो आपकी जितना शक्तिशाली है, वो कौन है, गॉड, ईश्वर या परम आत्मा। तब मैंने उससे पूछा तीन उंगली उठाते हुए कि क्या कोई और तीसरा इंसान है जो मेरे जितने शक्तिशाली है, जिस पे वह आदमी तो सच में मेरी बातों को समझने का कोशिश कर रहा था और वह समझ भी जाया था। और फिर जब मैंने तीसरी उंगली उठाई तो इससे वह गुस्सा हो गया, वह नाराज हो गया कि आपसे ज्यादा शक्तिशाली और गॉड से ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है, और यह बोलता हुआ वह यहां से चला गया, क्योंकि वह रुष्ट हो चुका था कि राजा कैसे बोल सकते हैं कि उनसे और गॉड से ज्यादा शक्तिशाली कोई और है, जब राजा ने अपनी तीसरी उंगली उठाई थी। टेस बाइस अ मिरेकल, टेस एक चमत्कार खरीदती है। क्या कभी आपके साथ किसी तरीके की कोई एक ऐसी घटना हुई है जो आपके लिए लकी साबित हुई, इसके बारे में क्लास में बात कीजिए। और क्या कोई लकी चीज जब भी आप चाहो आप अपनी जिंदगी में कर सकते हो, अगर ऐसा आप कर सकते हो तो वह क्या क्या हो सकता है, यह कुछ सवाल होते हैं जो लेखक इस कहानी की शुरुआत से पहले बच्चों से पूछते हैं। और अब हम इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, टेस बाइस अ मिरेकल, टेस एक चमत्कार खरीदती है। एक समय की बात है, 8 साल की एक टेस अपने माता पिता को उसके भाई एंड्रयू के बारे में बात करते हुए सुन लेती है और उसे यह पता चलता है कि उसका भाई बहुत ही ज्यादा बीमार है और उनके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं है कि वह इसका इलाज कर सके। वही दूसरी ओर टेस अपने पिताजी को बोलते सुनती है कि अब तो केवल चमत्कार ही हमारे बच्चे को बचा सकता है। अब टेस सारी की सारी बातों को सुनती है और उसके बारे में सोच लगती है। वह क्या करती, अपने रूम जाती है जिसमें उसका कबर्ड होता है और उस कबर्ड में एक जार होता है जिसमें कुछ सिक्के थे। अब वह उसे अच्छे से गिनती है और फिर उसके बाद उन पैसों को वह अपने पर्स में रख देती है और कहां जाती है तो मेडिकल स्टोर, ड्रग स्टोर जिसे भी हम बोल सकते हैं, वहां तब केमिस्ट उसे देखता है लेकिन उसकी तरफ किसी भी तरीके का कोई भी खास ध्यान नहीं देता है। लेकिन जब टेस कंटिन्यू वहीं पे खड़ी होती है तो वह उससे पूछता है और वह थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए पूछता है, क्या पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए,
अभी मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ जो शिकागो से आया है, जिस पे टेस बोलती है कि मुझे मिरेकल लेना है, मुझे चमत्कार लेना है। अब वहां पे वह साथ में क्या बोलती है कि मेरे भाई की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, कुछ है जो उसके दिमाग में धीरे धीरे करते हुए बढ़ता जा रहा है और मेरे पिताजी का यह मानना है कि केवल चमत्कार ही उसे बचा सकता है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि चमत्कार कितने रुपए में मिलता है? छोटी सी बच्ची, इसे क्या ही समझ में है। वही दूसरी ओर वह केमिस्ट शॉप, वह दवाई दुकान का जो मालिक है, उसका भाई अच्छे तरीके से कपड़ा हुआ पहना होता है और उन दोनों के बीच की बात को सुनता है। वह टेस्ट की तरफ जाता है और पूछता है कि तुम्हारे भाई को किस तरीके के चमत्कार की जरूरत है, जिस पे टेस बोलती है और यह बोलते समय उसके आंखों में आंसू आते हैं कि मुझे नहीं पता, वह बहुत ज्यादा बीमार है और मेरी मम्मा कहती है कि उसे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन मेरे पापा के पास उतने पैसे नहीं है, इसलिए मैं अपने पैसे लेकर के यहाँ पे आई हूँ। अब यहाँ पे वही आदमी पूछता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तो टेस बोलती है $1.11, $1.11 है। तो इस पे वह आदमी मुस्कुराता हुआ बोलता है, बहुत खूब, इतने ही पैसों में तो तुम्हारे भाई को चमत्कार मिल जाएगा। वह टेस्ट से पैसे लेता है एक हाथ में और दूसरे हाथ को उसको पकड़ करके बोलता है कि चलो मुझे अपने घर ले जाओ, मैं तुम्हारे भाई को देखना चाहता हूँ, जिसके बाद मैं यह बता पाऊंगा कि तुम्हारे भाई को किस तरीके के मिरेकल की जरूरत है। अब उस केमिस्ट के भाई के बारे में अगर बात किया जाए तो उसका नाम था डॉक्टर कार्लटन आर्मस्ट्रॉम, जो कि एक न्यूरोसर्जन है, मतलब वह दिमाग के इलाज के एक डॉक्टर है। अब क्या होता है कि वही डॉक्टर एंड्रयू, जो कि टेस का भाई है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करता है और उसका ऑपरेशन भी करता है और कुछ समय के बाद एंड्रयू वापस अपने घर आ जाता है। एक दिन टेस की माँ अपने पति से बोलती है कि हमारे बेटे एंड्रयू के सर्जरी का कितना खर्चा आया होगा। डॉक्टर आर्मस्ट्रांग ने तो कहा कि वह हमसे पैसे लेंगे ही नहीं। जिस बात को सुनते हुए टेस हंसती है और बोलती है कि मुझे पता है उस मिरेकल का कितना खर्च हुआ है, और वह हंसते हुए बोलती है मात्र $1.11। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, यह पोयम लिखने वाले रैल्फ वाल्डो इमर्सन है। इस पोयम की शुरुआत होने से पहले लेखक कुछ सवाल पूछते हैं कि आपके जगह पे स्क्वायरल को क्या बोला जाता है और क्या आपने उसके मूवमेंट को कभी नोटिस किया है और वह क्या खाता है और वह कहाँ रहता है। यही कुछ चंद सवालों के साथ हम शुरू करते हैं हमारी आज की पोयम। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वारल एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल पिग। तो यहाँ पे माउंटेन और स्क्वायरल, पहाड़ और गिलहरी के बीच में बहस होती है, क्वारल होती है, जिसमें फार्मर मतलब पहले वाला माउंटेन और लेटर दूसरे वाला स्क्वायरल। तो माउंटेन स्क्वायरल से बोलता है कि तुम तो एक लिटिल प्रिग हो, एक छोटे से तुच्छ जीव हो। बन रिप्लाइड, जिसमें वह घने बालों वाला स्क्वायरल बोलता है यू आर डॉटलेस वेरी बिग, हाँ इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप बड़े हो, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, लेकिन इस दुनिया में जितनी चीजें हैं सबको एक साथ लेके चलना पड़ता है टू मेक अ पेयर एंड ए स्क्वायर,
जिससे एक साल बनता है और यह दुनिया बनती है। मतलब इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, सब लोगों के बिना दुनिया संभव नहीं है। मतलब अगर छोटी चीजें भी जरूरी है तो बड़ी चीजें भी जरूरी है। आगे बोला जाता है, एंड आई थिंक इट इज नो डिसग्रेस, अब मुझे इस बात में किसी भी तरीके का कोई भी अपमान महसूस नहीं होता है टू ऑक्यूपाई माई स्पेस, कि मैं अपने जगह पे रहता हूँ। मतलब जो मेरा जगह है, जिस तरीके का मेरा आकार है, मैं उस बात में अपमानित महसूस नहीं करता हूँ। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, अगर मैं आपकी तरह लंबा और बड़ा नहीं हूँ, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो आप भी मेरी तरह छोटी नहीं हो, एंड नॉट हाफ सो स्प्राय, और मेरी तरह जिस तरह की मेरी चंचलता है उसके तो आप आधे भी नहीं हो। आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्वायर ट्रैक, हाँ मैं इस बात को मानता हूँ कि आप एक बहुत बड़ा जगह घेरते हो। और क्या बोला जाता है, अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक, और आप एक ऐसा रास्ता बनाते हो जिससे मैं जा पाता हूँ, चल पाता हूँ। टैलेंट डिफर्स, लोगों का गुण अलग अलग होता है। ऑल इज वेल एंड वाइसली पुट, और जितने भी सारे लोग हैं, सब लोग अपनी अपनी जगह सही है और उन्हें बहुत ही चतुराई के साथ इस दुनिया में लाया गया है। इफ आई कैनॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, अगर मैं जंगल को अपने पीठ में लेकर के नहीं जा सकता हूँ जिस तरीके से आप पूरे पूरे जंगल को अपने पीठ में रखते हो, नादर कैन यू क्रैक अ नट, तो आप भी मेरी तरह से नट अखरोट नहीं तोड़ सकते हो। मेजर फॉर मेजर, जिसका मतलब होता है कि लोगों को उतनी ही इज्जत देनी चाहिए या उतना ही काम देना चाहिए जिसके वो हकदार हो, और वैसी चीजें जो उनकी बस की नहीं है वैसी चीजें उनको नहीं देनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी खास काम में एक्सलेंट होते हैं, लेकिन क्या वो दूसरे काम को भी उस बेहतर तरीके से कर सकते हैं? इसी के बारे में हमारी आज की कहानी है, मेजर फॉर मेजर। कहानी की शुरुआत विजयनगर एम्पायर के राजा कृष्णदेव राय से होती है। अगर हम कृष्णदेव राय के बारे में बात करें तो जितने भी पोएट और स्कॉलर्स होते थे उनको वह पैसे देते थे और उन्हें आर्ट में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। एक दिन उन्हें एक महान आर्टिस्ट के बारे में पता चलता है जिसका नाम है राजा वर्मा। तो उन्होंने राजा वर्मा को अपने कोर्ट पे बुलाया और उन्हें एक पोर्ट्रेट बनाने के लिए बोला। राजा उस आर्टिस्ट के द्वारा बनाए हुए पोर्ट्रेट से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि वहां पे जिस पोर्ट्रेट को उसने बनाया था, जिस तस्वीर को उसने बनाया था, ऐसा लग रहा था वह साक्षात कृष्णदेव राय है। इसके बाद भी राजा वर्मा ने बहुत सारे फेमस कैरेक्टर्स जो कि हमारे पुराण में पाए जाते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, उनके भी तस्वीर बनाए, और ऐसा करके वह राजा के बहुत ज्यादा नजदीक आ गया था। इस बात से खुश होकर के कृष्णदेव राय ने अपने सारे आर्टिस्ट को बुलाया और उस आर्टिस्ट को, मतलब राजा वर्मा को बुलवा करके पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन जिस पे राजा वर्मा किसी भी तरीके का कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। अब यहाँ पे कृष्णदेव राय उनको क्या करते हैं, उन्हें अपना चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। मतलब जितने भी चीफ मिनिस्टर होते थे उसकी मेंबरशिप उनको दे देते हैं। अब राजा वर्मा एक अच्छा इंसान था, एक आर्टिस्ट भी था, लेकिन उसे एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य कैसे चलाना है, देश कैसे चलाना है, उस बारे में बिल्कुल ही
जानकारी नहीं थी। तो अब इसके बाद क्या होता है कि सारी की सारी चीजें तितर बितर हो जाती है। बहुत गंदे तरीके से वो मैनेजमेंट कर रहा था क्योंकि उसे जानकारी है नहीं कब कहाँ कैसे क्या किया जाए। अब जहां एक तरफ सारे के सारे लोग इनकी एडमिनिस्ट्रेशन से नाखुश थे, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राजा को जा करके कुछ बोले, क्योंकि राजा वर्मा के बारे में किसी भी तरीके का कोई भी बात नहीं सुन सकते थे। अब थक हार करके गांव के जितने भी मतलब उस राज्य के जितने भी बड़े लोग थे सब किसके पास जाते हैं, तो तेनाली रमन के पास जाते हैं कि किसी तरीके से इस चीफ मिनिस्टर से राजा वर्मा से उनको मुक्ति मिल जाए। तो तेनाली रमन बोलते हैं कि मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं बिना किसी दिक्कत के इस व्यक्ति की राजा वर्मा की जो मेंबरशिप है उसे खत्म कर दूंगा। इसी तरीके से कुछ समय बीत जाता है। अब तेनाली रमन ने राजा को रानी को और अपने कोर्ट में रहने वाले जितने भी लोग थे उन सब को दावत पे बुलाते हैं। अब वह क्या करते हैं, उनको एक अच्छा कारपेंटर भी दिखता है, तो उस कारपेंटर को वह खाना बनाने के लिए बोल देते हैं। अब खाना बनने के बाद राजा और बाकी सारे के सारे लोग लंच करने के लिए बैठते हैं जिस तरीके से तेनाली रमन ने उनको बोला, और कारपेंटर उनको खाना दे लगता है। जैसे ही अन्न का जो पहला निवाला उनके अंदर गया जिन लोगों ने खाना खाया, तो लोग पानी पानी करने लगे। अब क्या होता है आगे, जब राजा इस खाने को खाते हैं तो राजा को यह रियलाइज होता है कि खाना सही ढंग से पका ही नहीं है और उसे बहुत ही ज्यादा गर्म परोसा गया है, जिससे वह गुस्सा हो जाते हैं। और अब वह तेनाली रमन को बोलते हैं कि रमन, इस खाने को किसने बनाया है, तुम क्या चाहते हो कि इस तरीके के खाने को खा करके हमारी मौत हो जाए। जिस पे तेनाली रमन बहुत ही हम्बल बहुत ही विनम्र भाव से बोलता है कि मुझे माफ कीजिएगा सरकार, लेकिन वह इस बात को बोलते हुए राजा को कारपेंटर के पास ले जाता है और बोलता है कि मैंने तो इसके जैसा कारपेंटर कभी देखा ही नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इससे आज का खाना बनवाएं। जिस पे राजा हंसते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हारी मति मारी गई है, अगर कोई व्यक्ति एक अच्छा कारपेंटर है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अच्छा खाना भी बना सकता है, तुम्हारे दिमाग में इस तरीके का आइडिया कैसे आती है। जिस पे तेनाली रमन बोलते हैं कि मालिक, अगर एक आर्टिस्ट को चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है तो एक कारपेंटर को कुक क्यों नहीं। तो इस बात से राजा को समझ में आ जाता है कि तेनाली रमन क्या कहना चाहते हैं, और उनको यह एहसास हो जाता है कि उन्होंने राजा वर्मा को चीफ मिनिस्टर बना करके बहुत ही बड़ी गलती की। अब उसके बाद आगे क्या होता है कि अब राजा तो सोच रहे हैं कि इस राजा वर्मा को कैसे हटाए, तो उन्हें थोड़ा संकोच हो रहा था, लेकिन राजा वर्मा के हटाने से पहले ही राजा वर्मा वहां खुद आते हैं और अपना रेजिग्नेशन अपना त्याग राजा को मतलब राजा कृष्णदेव राय को अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं। और बाद में राजा वर्मा तेनाली रमन को यह बात बोलते हैं
कि मैं तो एक आर्टिस्ट के तौर पे ही बहुत ज्यादा खुश था। मुझे तो मिनिस्टर का पोस्ट चाहिए ही नहीं था। खैर, जो हुआ अच्छा ही हुआ। क्या आपने कभी किसी तरीके का माउंटेनियस स्टेट जो पहाड़ों से बना है वह घूमा है? अगर आपने घूमा है तो आपको कैसा लगता है? इसी के साथ हम शुरू करते हैं सिक्किम के बारे में। अगर हम सिक्किम के बारे में बात करें तो यह एक माउंटेनियस स्टेट है, एक पर्वतीय राज्य है जो कि हिमालय के ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है। इसके नॉर्थ में तिब्बतन प्लेट्यू, इसके ईस्ट में चुंबी वैली ऑफ तिब्बत और किंगडम ऑफ भूटान है, इसके वेस्ट में नेपाल और इसके साउथ में दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में है। 1975 के समय में सिक्किम भारत देश का 22वां राज्य बना था, जिसमें 540,493 लोग रह रहे थे और इसका टोटल एरिया 7,096 था। सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अगर हम सिक्किम शब्द के बारे में बात करें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना, सु खिम। सु मतलब न्यू और खिम मतलब पैलेस या फिर हाउस, महल या फिर घर। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक ऐसा जगह जो कि एक नया साम्राज्य हो या एक नया घर हो। और यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे किस राजा के बारे में बताया जाता है? तो ऐसा बोला जाता है कि यहाँ के पहले राजा थे फुनस्टॉक नामग्याल, तो उन्हीं के नाम पे सिक्किम का नाम पड़ा है, क्योंकि सिक्किम मतलब होता है नया राज्य, तो राज्य का राजा होगा, तो इसके राजा कौन थे? फुनस्टॉक नामग्याल। अब इसका तिब्बतन नाम बोले कि सिक्किम का तिब्बतन नाम क्या, तो वह है डेंजोंग, जिसका मतलब होता है वैली ऑफ राइस, मतलब चावल की घाटी। यहाँ पे चावल भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सिक्किम के बारे में बात किया जाए तो इसके चार डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम और साउथ सिक्किम, जिनके हेडक्वार्टर गंगटोक, गेंजिंग, मंगन और नामची है। अगर हम बात करें गंगटोक के बारे में तो वह सिक्किम की कैपिटल है और इसका मतलब होता है हाई हिल्स। और यहाँ पे वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट पीक जिसे कंचनजुंगा बोला जाता है वह पाया जाता है, और इसे सिक्किम की गार्डन डीटी मतलब रक्षा करने वाली देवी के नाम से जाना जाता है। सिक्किम में बहुत तरह के फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं। यहाँ बहुत सारा झरना है, बहुत सारे मोनेस्ट्रीज है और लेक है। अगर हम बात करें यहाँ के फ्लोरा के बारे में तो यहाँ पर कौन कौन से फ्लोरा पाए जाते हैं, तो रेंडन ड्रॉन जो कि स्टेट ट्री है सिक्किम का, ऑर्चिड, फिग, बनाना, साल्ट्री और बम्बू। वही अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओक, चेस्टनट, मैपल, बिर्च, एल्डर और मैग्नोलिया भी पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। अगर हम बात करें सिक्किम का स्टेट फ्लावर तो वो कौन है, तो ऑर्चिस डेंड्रोबियम, ये सिक्किम का स्टेट फ्लावर है। अब बात करें यहाँ के फौना के बारे में, तो यहाँ पे फौना मतलब हो गया जानवर, कौन कौन सा जानवर पाए जाते हैं, स्नो लियोपर्ड, मस्क डियर, द भोरल, हिमालयन थार, रेड पांडा, हिमालय मरमोट, द सीरो, द गोरल, बार्किंग डियर और लंगूर। साथ ही साथ यहाँ पे हिमालयन ब्लैक बियर, क्लॉडिट लियोपर्ड, मार्बल कैट, लियोपर्ड कैट, वाइल्ड डॉग, तिब्बतन वुल्फ, हॉग बैडर, विंटर रॉन्ग, जंगल कैट, सीवेट कैट, ये सारी के सारी चीज़ें पाई जाती है। यहाँ पे याक भी पाया जाता है जिसका इस्तेमाल दूध उसके मीट के लिए भी किया जाता है। बात करें यहाँ पे कौन कौन से बर्ड्स पाए जाते हैं, तो इम्पियन फीजेंट, क्रिम्सन हॉर्न फीजेंट, स्नो पैट्रीज, द स्नो रोस्टर, लेमर गियर और ग्रिफन वल्चर भी पाए जाते हैं। यहाँ पे गोल्डन ईगल भी पाए जाते हैं, क्विल, प्लोवर, वुडकॉक, सैंड पीपर, पीजन, बैबलर और रॉबिन्स भी पाए जाते हैं।
अब सिक्किम में कौन कौन रहते हैं? तो लीपचेस, नेपालीस और भोटियास। अगर हम बात करें नेपाल के बारे में, तो सिक्किम की जो भाषा है वो नेपाली है। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश भाषा भी बोली जाती है और समझी भी जाती है। और कौन कौन सी भाषा यहाँ बोली जाती है? तो भोटिया, गुरुंग, लेपचा, लिंबू, मागर, नेवारी, राई, शेरपा, सुनवार और तामंग। यहाँ के रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या उगाया जाता है? तो कार्डमोम, जिंजर, ऑरेंज, एप्पल, टी और ऑर्चिड। यहाँ के साउदर्न एरिया में राइस बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है। और सिक्किम को वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है। किसका? तो कार्डमोम का। यहाँ पे मिनरल माइंस भी है। कौन कौन से यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं? तो कॉपर, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, माइका, आयरन और कोल। सिक्किम के लोग बहुत सारे फेस्टिवल्स को मनाते हैं, जिनमें प्रमुख है हमारा दिवाली, दशहरा। यहाँ के जितने लोग हैं वो ज़्यादातर बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। आप बुद्धिस्ट फेस्टिवल को ही मनाते हैं। यहाँ के कौन कौन से पॉपुलर फेस्टिवल हो गए? तो लोसर, सागा, दावा, लबाब, ड्वेचिंग, फांग, लास्बो, ड्रुप्सका लेस्की, ड्रुपका तेसी, बुमचू, लूसोंग, तिहार, दसाइन और क्रिसमस। माय लैंड, मेरी जमीन। इस पोयम को लिखने वाले थॉमस डेविस है। अब यहाँ पे बताया जाता है पोयम शुरू होने से पहले कि दो दोस्त हैं, उनका अपने अपने देश के लिए अलग अलग विचार होता है और हर एक व्यक्ति अपने जन्मभूमि के बारे में जानने का इच्छुक होता है। जहाँ पे पहला अपने देश की जन्मभूमि के बारे में जानने के लिए इच्छुक होता है, वही दूसरा दोस्त अपने ही देश को छोड़ करके बाहर जाना चाहता है। अब इनमें से कौन आपके अनुसार सही करना चाह रहा है और उसका रीजन दे। इसी के साथ शुरू होती है हमारी पोयम माय लैंड बाय थॉमस डेविस। शी इज अ रिच एंड रेयर लैंड। वह बहुत ज्यादा अमीर और दुर्लभ जमीन है। मतलब यहाँ पे अपने देश की मिट्टी के बारे में बताया जा रहा है कि वह बहुत ज्यादा दुर्लभ है। हर व्यक्ति को अपने देश की मिट्टी प्यारी होती है। ओ शी इज फ्रेश एंड फेयर लैंड। तो मेरी जो देश की मिट्टी है वह बहुत ही सुगंधित, बहुत ही ताजा है और बहुत ही अच्छी है। शी इज अ डियर एंड रेयर लैंड। और मेरे देश की मिट्टी मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिय है और मेरे लिए वह बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, उसका कोई मोल नहीं है। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइंड। वह जमीन जो मेरी जन्मभूमि है। नो मैन देन हर्स आर ब्रेवर। इस दुनिया में कोई भी उससे ज्यादा बहादुर नहीं है। हर वुमन हार्ट्स नेवर वेवर। उनका जो दिल है, मतलब मेरे देश की मिट्टी का जो दिल है, वह कभी भी संकोच नहीं करते हैं। इट वुड फ्रीली डाई टू सेव हर। आई वुड फ्रीली डाई टू सेव हर। और मैं अपने इस देश की मिट्टी को बचाने के लिए खुशी खुशी मर जाऊंगा। एंड थिंक माई लॉट डिवाइन। और अपने देश की मिट्टी के बारे में सोचते हुए मैं अपनी जान निछावर कर दूंगा। शी इज नॉट डल और कोल्ड लैंड। वह ऐसा नहीं है कि वह बंजर है या फिर ठंडी जमीन है। मतलब जमीन हमारी उपजाऊ होती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेरे देश की मिट्टी बंजर नहीं है। नो शी इज वार्म एंड बोल्ड लैंड। तो वह क्या है? मेरे देश की मिट्टी बहुत ज्यादा गर्म है, हमें गर्मी देती है। यहाँ गर्मी का मतलब होता है कि हमें धन देती है हमारे देश की मिट्टी। ओ शी इज ट्रू एंड ओल्ड लैंड। तो वह सत्य है और वह मतलब मेरे देश की मिट्टी बहुत ज्यादा पुरानी है।
दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, मेरे देश की यह मिट्टी, कुड ब्यूटी एवर गार्ड हर एंड वर्च्यू स्टिल रिवॉर्ड हर। क्या कभी ऐसा होता है कि सुंदरता हमेशा उनके पास रहे और किसी भी तरीके का गुण है वह हमेशा उसे सराहे। नो फो वुड क्रॉस हर बॉर्डर, हमारे देश का कोई भी दुश्मन हमारे देश की जो बाउंड्री है उसे कभी भी पार नहीं कर सकता। नो फ्रेंड विद इन इट्स स्पैन, और कोई भी मित्र हमारे देश की मिट्टी से उदास नहीं हो सकता। मतलब हमारे देश में जितने सोल्जर्स होते हैं वह हमारे देश की इस प्रकार से रक्षा कर रहे हैं कि कोई भी दुश्मन हमारे देश के अंदर नहीं आ सकता है, और हमारे देश का कोई भी बेटा वह कभी भी नाकुश नहीं हो सकता है। ओ शीज फ्रेश एंड फेयर लैंड, हाँ वह बहुत ही ज्यादा सुगंधित और अच्छी जमीन की भूमि है। ओ शीज रेयर एंड ट्रू लैंड, हाँ वह दुर्लभ है और वह सत्य में मेरे देश की ही मिट्टी है। यस शीज रेयर एंड फेयर लैंड, हाँ वह बहुत ही ज्यादा दुर्लभ जमीन का टुकड़ा है और वह मुझे अति प्रिय है। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, मेरी यह जन्मभूमि। तो इस पोयम में हमारे देश के अलग अलग चीजों के अलग अलग जगहों के बारे में बताया गया है, उसकी प्रशंसा की गई है। तो इस पोयम के बाद अगर आप अपने देश के बारे में ये सारी बातें सुनेंगे तो क्या आप अपने देश को छोड़कर जाना चाहोगे? माई फर्स्ट रोल इन लाइफ, मेरी जिंदगी का पहला रोल। कहानी की शुरुआत होने से पहले कुछ सवाल हैं, जिसे पूछा जाता है कि क्या आपने कभी किसी प्ले में एक्ट किया है, वह कहां हुआ था, आपने किस तरीके का कैरेक्टर प्ले किया था। इस एक्सपीरियंस को अपने दोस्तों के साथ बताएं। अगर हम इस कहानी के बारे में बात करें तो इसे भीष्मा शाहानी के मेमोर से लिया गया है, उसे एक पार्ट है। सवाल आता है मेमोर क्या है? तो जब कोई व्यक्ति अपने लाइफ की इंसिडेंट का कोई छोटा सा टुकड़ा बताता है तो उसे मेमोर बोलते हैं। वही दूसरी ओर जब कोई व्यक्ति अपने पूरे लाइफ के बारे में बताता है उसे बायोग्राफी कहते हैं। तो यह हो गया इन दोनों शब्द के बीच का डिफरेंस। अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी कहानी। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी है। मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ और मेरे स्कूल में आज मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस था। हमारे प्ले का नाम है श्रवण कुमार और मैं श्रवण कुमार का कैरेक्टर प्ले कर रहा था। वही अगर हम बात करें तो हमारे डायरेक्टर कौन थे, तो क्लास 9 का एक स्टूडेंट था जो हमारे डायरेक्टर बने हुए थे, और जिस तरीके से वह चश्मे पहने हुए थे तो हम लोग को लगता था कि हाँ उनके अंदर काबिलियत है। जिस तरह से वो हमें बोलते हम लोग उसी तरीके से एक्टिंग करते। हमें धोती साड़ी लाने के लिए ही बोला गया था ताकि हम अच्छे तरीके से सजावट कर सके और बहते हुए पानी का इफेक्ट भी ला सके। वह दूसरी ओर एक बाल्टी भर के पानी श्रवण कुमार जहाँ से पानी लाने के लिए जाते वहीं पर रखा गया था। अब यहाँ पे बात किया जाता है कि श्रवण कुमार के माता पिता के बारे में, कि उनके माता पिता का कैरेक्टर हमारे ही क्लास के दो लड़के कर रहे थे। उन्हें यह बात बता दिया गया था कि उन्हें बीच में बैठे रहना है और उनका चेहरा ऑडियंस की तरफ होगा जो उसे देख रहे होंगे। और उनमें से एक का नाम था बौद्धराज जो कि माँ का रोल कर रहा था, और जिस माँ के रोल को वह कर रहा था तो उसमें जो साड़ी है वह उसका आंचल बार बार सर जाता था। तो कहानी अब इसी के साथ शुरू होती है कि पर्दे खुलते हैं और यहाँ पे बताया जाता है कि उनके माता पिता श्रवण कुमार के माता पिता यह आदेश देते कि बेटा श्रवण कुमार हम प्यासे हैं। तो मैं क्या करता, क्योंकि मैं श्रवण कुमार था, मैं लोटा लेता उनके पैरों को छूता और नदी की तरफ चला जाता है। वही दूसरी ओर
राजा दशरथ का एक कैरेक्टर प्ले कर रहे थे हमारे यहाँ के, तो वह स्टेज के अंदर पर्दे के पीछे से आते हैं और बात किया जाए तो वह अपने मूंछ को ताव देते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब क्या होता है, किसी तरीके का वह आवाज सुनते हैं तो वह अपना तीर धनुष निकालते हैं और बोलते हैं कि नदी के पास कौन सा जानवर पानी पी रहा है। अब क्या होता है, वह तीर छोड़ देते हैं और क्या होता है कि वह तीर छत से होते हुए मेरे पैर के पास आके गिरता है और मैं चिल्लाने लगता हूँ कि अरे निर्दय, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुम्हारे तीर ने मुझे मार डाला, मैंने क्या गलती की थी, अब इसके बाद तुमने मुझे पानी लेते हुए मेरे माता पिता के लिए मैं पानी ले रहा था तो तुमने मुझे मार डाला। अब यह आवाज जिस तरीके से मैंने बोला था, पूरे पूरी ऑडियंस इस आवाज को सुन करके सुन हो गए थे और मैं गाता गया, मैं गाना गाता गया बिना किसी रोक के। और गाना बहुत ज्यादा लंबा था और उसका कोई अंत नहीं था। वही दूसरी ओर राजा दशरथ एक मूर्ति की तरह खड़े थे, जिनमें से उनका एक पैर पीछे की तरफ तो एक पैर आगे की तरफ था। वह इंतजार कर रहे थे कब मेरी गाना खत्म हो गया और उनका धनुष मेरे ही तरफ था। अगर उन्होंने मुझे एक और तीर मारा होता तो डायरेक्टर के अनुसार वह मेरी छाती पे लगता, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था तो डायरेक्टर ने भी इस बात के लिए मना कर लिया। मैंने आधा ही गाना गाया था जब मेरी आवाज खुरदरी हो गई, जिसके बाद सारे के सारे ऑडियंस लोग हंसने लगे। वही श्रवण कुमार के अंधे माता पिता को बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही थी अपने आंखों को बंद रखने के लिए, जिनमें से अब क्या होता है, जो श्रवण कुमार के माता पिता का कैरेक्टर जो प्ले कर रहे थे उनमें से या तो पहला या फिर दूसरा अपनी आंखों को खोल देता, और ऐसा करते ही ऑडियंस में जितने लोग थे सब लोग हंसने लगते, बोलते देखो देखो उसने फिर से अपनी आंखें खोल दी। और उसके बाद तो पूरे की पूरी ऑडियंस एकदम हंसने लगी जब उन्होंने बौद्धराज का पल्लू बार बार गिर जा रहा था। बौद्धराज कौन था, जो श्रवण कुमार की माँ का रोल प्ले कर रहा था। अब बौद्धराज का जो बाल छेला हुआ था तो वह साफ तौर से दिख रहा था। वही दूसरी ओर जब श्रवण कुमार के माता पिता का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे वह जब आंखें खोलते फिर बोलता देखो उसने फिर से अपनी आंखें खोल दी, देखो देखो देख रहे हो ना, और बार बार इसी तरीके का इंसिडेंट हो रहा था तो लोग हंस रहे थे। पूरा का पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से बजने लगा था। तब मैंने गाना गाना रोका और मैं एक ऐसा एक्ट करने लगा मानो कि मेरी मौत हो गई। और वह दूसरी ओर हॉल में रहे सारे लोग प्रशंसा कर रहे थे ताली बजाते हुए। वही हमारी क्लास की एक टीचर जो ऑडियंस का ही एक पार्ट थी, उसने मेरे भाई बालराज को बोला देखो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है। अब मेरी डेथ एज अ श्रवण कुमार जब हो गई थी तो थोड़ी देर बाद कुछ और डायलॉग होता है और राजा दशरथ मेरे माता पिता से बात करते हैं, जिस पे राजा दशरथ को मेरे ही माता पिता श्राप दे देते हैं। लेकिन मुझे तो वहाँ लेटे ही रहना था, लेकिन अचानक से मैं सब कुछ भूल गया और मैं अचानक से खड़ा हो गया। तभी ऑडियंस के सारे लोग हंसने लगा, बोले देखो लेटे रहो उठने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं वापस लेट गया। जिसके बाद क्या होता है,
तालियों की गड़गड़ाहट बहुत तेज से होने लगी और लोग हंसने लगे और इसे रोका नहीं जा सकता था। लोग सीटी बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, हंस रहे हैं और अलग अलग तरीके की आवाज काफी लंबे समय तक चलती रही और यह मेरी जिंदगी का पहला रोल था। बीट द क्लॉक, इसका मतलब है कि घड़ी से आगे बढ़ो। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमें किसी तरीके का कोई काम दिया गया है तो उसे समय पे या समय से पहले खत्म करना हमारा कहलाता है बीट द क्लॉक। इसका मतलब है पंक्चुअलिटी, हमें हमेशा पंक्चुअल रहना चाहिए, हमारा खुद का टाइम टेबल भी होना चाहिए। आप देखते होंगे स्कूल में बहुत तरह के टाइम टेबल्स होते हैं और उसे ही सारे के सारे लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि सारी की सारी चीजें समय पे होती है। अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में रिमझिम बोलती है अपनी माँ को कि माँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मुझे तो बस अब दो लेसन ही करने हैं और इसे करने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा और कल का एग्जाम तो बहुत ही आसान एग्जाम है, अभी 6 बज रहे हैं। और जैसे ही वह पढ़ने के लिए बैठती है तो घंटी बज जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि रिमझिम 1.5 घंटों तक बात करती है और उसे पता चलता है कि अब तो 7:30 बज चुके हैं। अब बोल रहे कि अब और कोई भी कॉल वह अटेंड नहीं करेगी। वह बैठती है पढ़ने के लिए लेकिन उसे अपना नोटपैड भी नहीं मिल रहा है। अब इसी तरीके से 1/2 घंटा और बर्बाद हो जाता है। अब समय हो गया है डिनर का और अब वह सोचती है कि अब वह बैठेगी पढ़ने के लिए, लेकिन अब 9 बज चुके थे। अब उसे सोने में मात्र 1 घंटा बज रहा है, मतलब वह 10 बजे सोती है। क्या इस तरीके से ही आपका भी समय बर्बाद हो जाता है? तो आपको अब समय आ गया है कि आप एक टाइम वेस्टर ना बनकर अपने समय का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने समय को कंट्रोल करना पड़ेगा और इसके लिए आपको समय के लिए एक प्लानिंग बनाना पड़ेगा, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग करना पड़ेगा जिसमें आप अपने समय को ज़्यादा बर्बाद ना करें और आप उसमें किस तरीके से अपने नोट्स को बनाओगे और किस तरीके से अपने होमवर्क को करोगे, एक स्पेसिफिक टाइम डिटरमाइन कर लीजिए। और इस बात का ध्यान रखिए कि जिस समय आपको जो काम करना है उससे रिलेटेड सारी की सारी चीजें वहां प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका नोट्स एकदम साफ सुथरा रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब नोट्स बना रहे हो तो उसमें कुछ खाली जगह छोड़ दीजिए जिससे आप बाद में इस्तेमाल कर सके। और इससे क्या होगा कि आपके द्वारा नोट्स बनाया गया है तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपको रिवीजन का समय भी मिल जाएगा। दूसरा हमारा टाइम वेस्ट है कॉल्स पे बात करना, टेलीफोन कॉल्स। हमारे पास बहुत तरह के कॉल आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, एक स्पेसिफिक टाइम बना लेना चाहिए कि इतना देर से इतना देर हम बातें करेंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो आप अपने दोस्त को बता दीजिए कि वह आपको किस समय फोन करे या फिर किस समय फोन ना करे। मान के चलिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस ड्यूरेशन में अपने सारे दोस्तों को बोल दीजिए कि इस समय के बीच में मुझे फोन ना किया करो क्योंकि वह मेरे पढ़ने का समय होता है। और मान के चलिए आप किसी तरीके का कोई काम कर रहे हैं और उस समय आपको बोला जाए कोई काम करने के लिए, तो आप बोल दीजिए अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ या फिर कुछ और कर रही हूँ या फिर कुछ और कर रहा हूँ,
और आपको यह काम बाद में बोले। और इस बात का भी ध्यान रखें कि आप उस काम को कर दीजिए। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप अपने दोस्त को फ्री होकर के कॉल करें, ताकि वह अगले दिन आपसे वह अपसेट ना हो। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा स्टडी टेबल जो है वह किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा चीजों से भरा हुआ ना हो। आपके किताब, कॉपी, डायरी या फिर जितने भी स्टेशनरी सामान होते हैं, पेंसिल, रबर, कटर, उन सब चीजों का एक फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए। साथ ही साथ हमें यह ध्यान भी रखना चाहिए कि हमारा डेस्क पूरी तरीके से साफ सुथरा है, उसमें किसी भी तरीके का फालतू नोट्स नहीं होना चाहिए, पुराने पुराने मैगजीन्स भी नहीं होना चाहिए, जिसके कारण जब कभी भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो आपके पास आपके पढ़ने की जितनी भी चीजें हैं वह आपके डेस्क पे ही हो और आप अपने आप को किसी भी तरीके का कोई भी इंटरप्शन आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। जब कभी भी आप पढ़ रहे हो किसी भी तरीके का कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और जब जरूरत पड़े तो हमें ना कहना भी सीखना चाहिए, क्योंकि यह ज्यादातर हमें देखने को मिलता है कि हमसे ना बोला नहीं जाता है। लेकिन जब कभी भी आप कोई अपना स्पेसिफिक काम करते हो तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके बीच में अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है कोई काम के लिए तो आप उसे साफ मना कर दीजिए। और अगर वह आपको समझने वाले व्यक्ति होंगे तो वो जरूर ही आपको बातों को समझेंगे। इसके बाद यह बताया जाता है कि हमें अपने टास्क को प्रायोरिटी देना चाहिए कि आपको क्या क्या करना है, इसके लिए क्या करना चाहिए। आपको एक लंबा सा लिस्ट बनाना चाहिए कि आपको आज के दिन क्या क्या करना है, और एक पार्टिकुलर टाइम पे उस काम को फिक्स कर दीजिए, और इस बात का ध्यान रखिए कि आप उसी समय पे वह काम करते हैं। फिर जब कभी आप किसी भी तरीके का कोई काम कर रहे हो तो आपके दिमाग बोलता है पहले ये कर ले या पहले वो कर ले, तो जो आपको लगता है कि वो जो ज्यादा जरूरी चीजें हैं पहले आप उसको करके कंप्लीट कर ले। या तो आप भारी काम को पहले कर लीजिए या तो आप हल्के काम को पहले कर दीजिए। अगर आपका दिमाग फ्री है तो आप भारी काम कीजिए, या फिर अगर आपका दिमाग पढ़ के या फिर किसी काम को करके एग्जॉस्ट हो चुका है तो इस बात का ध्यान रखें कि आप हल्के कामों को ही करें, और ज्यादा समय जो है वो अपना फालतू की चीजों को या फिर छोटी छोटी चीजों पे ध्यान ना लगा करके अपनी चीजों को सही समय पे कीजिए, जिससे हम अपने समय को भी बचा सकते हैं। और इस तरीके से अपनी सारी चीजों को शेड्यूल्ड करने से क्या हो जाता है, हमारी समय की बचत होती है। क्योंकि ज्यादातर यही होता है कि हमें सोचते हैं कि हम पढ़ेंगे लेकिन जिस काम को हम करने वाले हैं उस काम की तैयारी हमें एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए कि आज के दिन हमें क्या क्या काम करना है, जिससे हमारा समय बहुत तरीके से बचता है और हम हर चीज को समय से पहले समाप्त कर पाते हैं। ऐसा क्या है या फिर ऐसा कौन है जो लाइट आने के साथ हमारे साथ साथ चलता है और लाइट चले जाने के बाद हमारे साथ नहीं रहता है? तो वह कौन है? तो वह हमारा शैडो है, परछाई है। हम देखते हैं कि हमारी परछाई लाइट आने पे आती है और लाइट चले जाने पे चली जाती है। तो हमारी क्लास में हम लोग आज माय शैडो, मेरी परछाई के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम इस पोयम के बारे में बात करें तो इसे लिखने वाले रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन है। अब बिना समय बर्बाद करिए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पोयम। आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विथ मी। मेरे पास मेरी एक छोटी सी परछाई है जो मेरे साथ अंदर बाहर होती है। एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम मोर देन आई कैन सी। और इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है मेरे देखने के अलावा।
मतलब मैं इसे देख पा रहा हूँ, इसके अलावा इसका क्या इस्तेमाल है मुझे जानकारी ही नहीं है। ही इज वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। वह बिल्कुल बिल्कुल ही मेरे जैसा दिखने में लगता है, पैर से सिर तक या फिर सिर से पैर तक। एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जम्प इनटू माय बेड। और मैं उसे देखता हूँ कि वह मेरे सामने उछलता है जब कभी मैं बिस्तर पे जाता हूँ। द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो। और सबसे मजेदार बात यह है कि उसे बढ़ना पसंद है। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज ऑलवेज वेरी स्लो। और उन बच्चों की तरह बढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जैसे सारे के सारे बच्चे धीरे धीरे बढ़ते हैं, उसे उस तरीके से पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल। और कभी कभी वह इतना ज़्यादा लंबा हो जाता है जैसे एक इंडियन रबर बॉल। एंड समटाइम्स ही गेट्स सो लिटिल दैट देयर इज नन ऑफ देम नन ऑफ हिम एट ऑल। और कभी कभी तो वह इतना ज़्यादा छोटा हो जाता है कि मैं उसे देख ही नहीं पाता हूँ। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप। एक दिन बहुत पहले सूरज उगने से पहले मैं उठ चुका था। आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटरकप। और मैंने क्या देखा कि चारों ओर कि मुझे शाइनिंग ड्यू मिल रहा था, मतलब मेरे चारों ओर नमी थी। बट माय लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट अस्लिप इन बेड। और मेरा जो आलसी छोटा सा परछाई था वह एकदम सोया हुआ है और घर पे रहा, मेरे घर पे रहा, मेरे पीछे रह गया और सोया रहा। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि एक दिन की बात होती है जब लड़का सुबह उठता है और उस समय सुबह सूरज नहीं उगा हुआ होता है, तो सूरज नहीं उगे होने के कारण उसके रूम में नमी देखने को मिलती है। और क्योंकि सूरज नहीं उगा हुआ है इसलिए उसकी परछाई भी नहीं दिखाई देती है, अब वो बाहर चला जाता है। लेकिन क्योंकि सूरज नहीं उगा है तो उसकी परछाई नहीं दिखाई देती है, जिस पे लेखक बोलते हैं कि मेरी जो परछाई है वह मेरे बेड पे ही सोया रहा। मैं निकल गया और मेरा परछाई बेड पे सोया रहा। She lived her dream. उसने अपने सपने को जिया। जैसा हम आजकल के समय में देख पाते हैं कि महिलाएं हमारे भारत देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे हमारे समाज में एक इम्पैक्ट पड़ रहा है, एक पॉजिटिव चेंज हमारे समाज में आ रहा है। और इस तरीके की महिलाएं हमारे भारत देश में नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट की तरफ ही होती है। अब ऐसी कुछ महिलाओं का नाम आप बताइए। साथ ही साथ सवाल पूछा जाता है कि भारत की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी। इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारी आज की कहानी। यह कहानी कल्पना चावला के बारे में है। कल्पना चावला जब स्पेस से अंतरिक्ष से वापस आ रही थी तो वह बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी और लोग उनके रिटर्न को सेलिब्रेट करने वाले थे फरवरी 2003 में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह कोलंबिया शटल जो उनके स्पेसक्राफ्ट से जुड़ा हुआ था, वह उनके लैंड होने से मात्र 16 मिनट पहले टूट जाता है। और बहुत सारे लोग इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि किसी तरीके का कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कल्पना की मौत हो जाती है क्योंकि उनका कनेक्शन टूट गया था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। अगर हम कल्पना चावला के बारे में बात करें तो वह स्पेस में 6.5 मिलियन माइल्स तक ट्रैवल कर चुकी थी और
अर्थ के ऑर्बिट का 252 बार चक्कर लगा चुकी थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के एक कमाल नाम के छोटे से गांव में हुआ था, एक मिडिल क्लास परिवार में। वह अपने परिवार की सबसे छोटी बच्ची थी। उनके तीन और भाई बहन थे। कल्पना ने अपनी पढ़ाई टैगोर स्कूल से की, लेकिन वह सारे बच्चों से बिल्कुल ही अलग थे। उन्हें आसमान के बारे में, स्पेस के बारे में जानने की बहुत ज्यादा इच्छा थी। उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता था स्पेस के बारे में पढ़ना। उनके स्कूल प्रोजेक्ट और पेपर्स में भी सारे के सारे स्टार, प्लैनेट और आउटर स्पेस के बारे में बताया जाता है। जहां एक तरफ सारे के सारे बच्चे खेलने में बिजी होते, वह दूसरी ओर कल्पना चावला स्केचिंग करती, वो भी एरोप्लेन्स का। जहां उनके फादर जो एक बिजनेसमैन थे उनको सपोर्ट करते हैं, कहा जब वह फ्लाइंग क्लब ज्वाइन करती है, क्योंकि यह शौक के लिए तो ठीक था, लेकिन उन्हें इस बात पे ज्यादा अजीब लगता है या वह ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं जब कल्पना चावला बोलती है कि वह इसे अपना करियर मनाना चाहती है। वह दूसरे उनके फादर के माइंड में था कि वह डॉक्टर बने, लेकिन किसी तरीके से कल्पना चावला अपने फादर को मना लेती है और 1982 के टाइम में वो पहली महिला होती है अपने परिवार से जिनका एडमिशन पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ था, जो कि फर्स्ट वुमेन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग थे। अब यहाँ पे उनके माता पिता चाहते थे कि जल्दी वह शादी करके सेटल हो जाए, लेकिन उन्होंने इस बात के लिए साफ मनाही कर दी और उन्होंने बोला कि वह अपना पोस्ट ग्रेजुएशन यूएस से करना चाहती है, यूनाइटेड स्टेट से करना चाहती है, जिस पे अंत में उनके माता पिता को उनकी बात माननी पड़ती है। उन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से की थी, जो कि आर्लिंगटन में है, और उन्होंने अपनी पीएचडी या जिसे हम डॉक्टरेट बोलते हैं, वह उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी ऑफ कोरोराडो से की थी। वहीं पे उनकी मुलाकात अपने पति से होती है, जो कि उनके एक फ्रेंच फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे जिनका नाम था जीन पियर्स हैरिसन। अपनी पीएचडी की डिग्री कंप्लीट करने के बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 1988 में वह नासा चली जाती है, नासा के एम्स रिसर्च सेंटर जो कि कैलिफोर्निया में वहां चली जाती है। अब वहां पे 2062 लोगों ने अप्लाई किया था, जिनमें से मात्र 19 लोगों का सिलेक्शन हुआ था और उस 19 लोगों में कल्पना चावला का भी नाम था। अब मार्च 1995 का समय आता है जब उन्हें जॉनसन स्पेस सेंटर में वह रिपोर्ट करती है, उनका वहां पे एडमिशन हो चुका था। इसी तरह समय बीतता है और 19 नवंबर 1997 का समय आता है जब वह अपनी जिंदगी की पहली उड़ान अमेरिकन स्पेस शटल से करती है, जो कि 15 दिन का था। मात्र 90 मिनट के समय में उन्होंने अर्थ का एक सर्कल ले लिया था। कल्पना और उनके पति को एरियल एरोबैटिक्स, हाइकिंग, बैक पैकिंग और रीडिंग का शौक था। हालांकि उन्हें अमेरिकन सिटीजनशिप मिल चुकी थी, लेकिन कल्पना चावला कभी भी अपने घर को नहीं भूली थी। हर साल वह अपने गांव आती थी और उन्होंने हर साल अपने गांव के दो बच्चों का, जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, उनका एक विजिट करवाती थी नासा में। फिर उन्होंने बहुत सारी लड़कियों के पढ़ाई में भी योगदान दिया और तमिलनाडु के जो गवर्नमेंट है उन्होंने कल्पना चावला अवार्ड की भी शुरुआत की, जो कि हर साल इंडिपेंडेंस डे के दिन दिया जाता है,
अपनी बहादुरी के लिए। अब कल्पना चावला हमारे साथ हालांकि नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जितने भी सारे काम किए गए वो लोगों को बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करती है कि लोग अपने सपने को जिए। द आउटसाइडर, यह एक पोयम है जो एनोनिमस है, मतलब इस पोयम को किसने लिखा इस बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन यह एक पोयम है जो फिजिकली या विजुअली चैलेंज लोगों के बारे में बताती है कि वह लोगों से किस तरीके से भिन्न होते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, असमानता होती है और क्या क्या सिमिलैरिटीज होती है जो उनमें एक जैसी होती है। अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी पोयम। आई एम हैंडीकैप्ड एंड फील चेयर बाउंड। मैं हैंडीकैप हूँ, मैं विकलांग हूँ और मैं व्हील चेयर से बंधी हुई हूँ। एक्सपेक्टेड टू सिट एंड नॉट मेक ए साउंड, और मुझसे यह उम्मीद किया जाता है कि मैं बस बैठी रहूं और किसी तरीके का कोई भी आवाज ना करूं। जस्ट टू स्माइल एंड लेट द वर्ल्ड गो बाय, और बस मुस्कुराते रहूं और दुनिया जैसी चल रही है वैसे चलने दो। विथ सेंटली पेशेंस एंड नेवर साय, किस तरीके से, जैसे कि मैं कोई साधु हूँ, महान आत्मा हूँ और मैं किसी भी तरीके का कोई भी दुख व्यक्त ना करूं। इनसाइड माई हेड थॉट्स कम एंड गो, मेरे दिमाग के अंदर बहुत तरीके सोच आते और जाते हैं। आइडियाज आर अ बूम विच लॉन्ग टू फ्लो, और मेरे दिमाग में बहुत तरीके आइडियाज आते हैं, विचार आते हैं जो बहना चाहती है, मेरे दिमाग से निकलना चाहती है। फ्लो फ्रॉम माई लिप्स एंड लिंक मी विथ अदर्स, और वह कहाँ से निकलना चाहती है, मेरे होठों से निकलना चाहती है, मेरी जुबान से निकलना चाहती है ताकि मैं लोगों से जुड़ सकूँ। मतलब यहाँ बताया जाता है कि मेरे दिमाग में बहुत तरीके की बातें आती है जो मैं लोगों से कहना चाहती हूँ, और मैं लोगों से कह करके उनसे मिलना चाहती हूँ, उनसे मेल जोल बढ़ाना चाहती हूँ। बट वर्ड्स साउंड स्ट्रेंज एस नो वन बॉदर, लेकिन मेरे शब्द से किसी को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, किसी को मेरी कोई चिंता ही नहीं है। माई टंग एंड लिप्स डू नॉट एज आई आस्क, मेरे जुबान और मेरे होठ वैसे काम नहीं करते हैं जैसा मैं चाहती हूँ। मतलब मेरे मन में जितनी भी बातें आती है वह मेरी जुबान से नहीं निकलती है। मतलब मेरे मन में बहुत तरह के विचार आते हैं लेकिन मैं उसे नहीं बोल पाती। आई कैन नॉट परफॉर्म द सिंपलेस्ट टास्क, मैं छोटे से छोटे काम को भी नहीं कर सकती। बट आई हैव ए माइंड एंड आई एम स्टिल देयर, लेकिन मेरे पास दिमाग है, मेरे पास बहुत तरह की सोच है और मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी प्रेजेंस को महसूस करें। मैं अभी भी यही हूँ। डोंट लॉक मी आउट इन योर इग्नोरेंस देयर, अब मुझे इग्नोर ना करो, मुझसे बातें करो। टॉक दो आई सीम नॉट टू अंडरस्टैंड, मुझसे बातें करो, ऐसा दिखने में लगता है कि मैं कुछ नहीं समझ सकती हूँ। टच मी इंक्लूड मी होल्ड माई हैंड्स, मुझे छुओ, मुझे अपने साथ मिलाओ, मेरे हाथों को पकड़ो। आई एम अलाइव एंड आई हैव टाइम टू गिव, मैं जिंदा हूँ और मेरे पास समय है तुम्हें देने का। मतलब मैं तुम लोगों के साथ खेल सकती हूँ, हंस सकती हूँ, मुस्कुरा सकती हूँ, मुझे अपना हिस्सा तो मानो। लेट मी शेयर इन द लाइफ आई वॉज गिवन टू लिव, मुझे उस जिंदगी को तुम्हारे साथ बिताने को दो जो मुझे दिया गया है। तो यहाँ पे एक हैंडीकैप के लाइफ के बारे में बताते हैं जिसमें लोग उन्हें हमेशा इग्नोर करते हैं या उन्हें एबनॉर्मल समझते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हार्वेस्टिंग रेन, यह एक स्टोरी है जिसमें पानी को हम किस तरीके से बचाते हैं या बारिश के पानी का हम किस तरीके से उपयोग करते हैं उसके बारे में बताया जाता है। कहानी की शुरुआत होने से पहले कुछ सवाल है, जैसे
क्या आपको बारिश में खेलना पसंद है? बारिश के पानी में आप क्या-क्या करते हो? और क्या कभी आपने लोगों को पानी इकट्ठा करते हुए देखा है, बारिश के पानी को? इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। क्या आपने कभी रेन वाटर को कलेक्ट किया है? मेरा परिवार रेन वाटर को कलेक्ट करता है बाल्टी में और उसका अलग अलग जगह इस्तेमाल करता है। अगर हम बात करें तो गर्मी के तुरंत बाद जब बारिश का मौसम आता है जून के समय में, तो वह बारिश के पानी को इकट्ठा करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मेरा एडवेंचर रेन वाटर के साथ तो कभी रुका ही नहीं। जब मैं मालदीव में था और मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, तो मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखा था। क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग? यह एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है जिसे रेन वाटर को डोमेस्टिक पर्पसेस मतलब घरेलू काम के लिए इकट्ठा किया जाता है। अगर हम मालदीव्स के बारे में बात करें तो मालदीव्स एशिया के साउथ पार्ट में है, जो कि एक आर्किपेलागो है मतलब टापुओं का समूह है। इसमें 1190 आइलैंड है, टापू है, जहाँ पे अगर हम मालदीव्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे बारिश नॉर्थ ईस्ट मानसून और साउथ वेस्ट मानसून से आती है। यहाँ पे बारिश कब हो जाए इसके बारे में कोई भी जानकारी हमें नहीं मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पे फ्रेश वाटर मतलब पीने लायक पानी भी जल्दी अवेलेबल नहीं होता है, और ग्राउंड वाटर के पानी को निकालना तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है, साथ ही साथ वह पीने के लायक भी नहीं होता है। इसलिए यहाँ के लोगों को एक अच्छे तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मेथड सिखाया गया है। जितने भी नए नए बिल्डिंग्स होते हैं उनका जो छत होता है वह हल्का तिरछा होता है, और उस छत में एक तरह का नालीदार स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। तो यह एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मेथड होता है जिसमें जो छत होता है उसमें नाली का एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है और सारे का सारा पानी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है एक बड़े पाइप की मदद से। साथ ही साथ वह पानी जो पाइप से जा रहा है वह एक बहुत बड़े टैंक में जाता है जो कि सीमेंट से मिलके बना हुआ होता है, और पाइप को इस तरीके से बनाया जाता है कि वह जब पानी को इकट्ठा करे तो वह डायरेक्ट टैंक में जाए। अब उस टैंक का सबसे नीचे में क्या होता है, एक नल होता है। बहुत सारे घरों में तो टैप में लॉकिंग सिस्टम मतलब बंद करने या चालू करने का सिस्टम होता है। जब टैंक का पानी जब पूरी तरीके से सूख जाता है तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है, क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे सालों भर पानी मुझे मिलता है। कि आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्कूल का छत है वह बहुत बड़े एरिया में होता है जिसके कारण वहाँ पे पानी को बहुत अच्छे तरीके से इकट्ठा किया जाता है, पानी को बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा किया जाता है। और फिर उसके बाद जब मैं अपने घर में था तो बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होता है, और अचानक से एक डाउनपोर हैवी डाउनपोर मूसलाधार वर्षा होती है। यह बहुत ही मनोरंजक था क्योंकि उस पानी से मेरा टैंक भरने वाला था, लेकिन अगली सुबह टैंक पूरी तरीके से खाली हो चुका था क्योंकि पिछले बारिश का जो पानी इकट्ठा किया गया था उसमें गंदगी आ जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हर बार पिछले बारिश के पानी को हटा करके हम उसमें नया पानी को स्टोर करते हैं, और इसी तरीके से यहाँ के लोगों की जिंदगी चलती रहती है। दुनिया भर में लोग
हार्वेस्टिंग रेन वाटर करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे भारत देश के बारे में बात करें तो बहुत सारे रेन वाटर को बर्बाद कर दिया जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, फैमिली को और स्कूल लेवल पे लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड के बारे में अवेयर करना चाहिए, जिससे हमारे देश का रेन वाटर अच्छे तरीके से उसका हम लोग इस्तेमाल कर सके, जिससे हमारे अगल बगल के एरिया में कभी भी पानी की किसी भी तरीके का कोई कमी ना आए। द रीसाइक्लिंग रैप, मतलब एक ऐसा रैप जिसमें हम चीजों को दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाते हैं। अगर हम इस पोयम के बारे में बात करें तो इसे लिखने वाले जॉन फॉस्टर है। तो अब हम इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी पोयम। ऑल लिसन टू माई चिल्ड्रन, सभी लोग बोलते बच्चों मेरी बात सुनो। हेयर व्हाट आई से, मैं जो कहता हूँ। वी हैव गॉट टू स्टार्ट रीसाइक्लिंग, हमें चीजों को रिसाइकल करना शुरू करना पड़ेगा, वापस से इस्तेमाल करने लायक उन्हें बनाना पड़ेगा। इट्स द ओनली वे टू सेव द प्लैनेट फॉर द फ्यूचर जनरेशन, और यह एकमात्र तरीका है जिससे हम हमारे फ्यूचर जनरेशन को, हमारे बच्चों और उनको बच्चों को रहने के लायक यह पृथ्वी बना सकते हैं। द नेम ऑफ द गेम इज रिक्लेमेशन, इस गेम का नाम है रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन मतलब पुराने रूप में किसी चीज को लाना। यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइक्लिंग, तुम्हें रिसाइक्लिंग शुरू करना पड़ेगा। यू नो इट मेक सेंस, तुम्हें पता है इसका मतलब है। यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइक्लिंग, आपको रिसाइक्लिंग करना शुरू करना पड़ेगा। स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस, बाड़ में बैठना बंद करो। नो मोर पुसी फुटिंग, बेवजह का बातों पे अपना विचार देना बंद करो। तुम क्या बोलते हो इस बारे में सोचो। नो मोर क्लैप ट्रैप, फालतू की बातें करना बंद करो। गेट योर सेल्फ डूइंग द रिसाइक्लिंग रैप, तुम सारे के सारे रिसाइक्लिंग रैप शुरू करो। अब यहाँ पे वॉइस वन, एक वॉइस बोलता है कम ऑन एंड स्टार्ट रिसाइक्लिंग, चलो रिसाइक्लिंग शुरू करते हैं। स्टार्ट टूडे, आज से शुरू करते हैं। बाय सेविंग ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर को बचा के, नॉट थ्रोइंग देम अवे, उन्हें हम फेंके ना और उन्हें हम बचाए। जस्ट डोंट जस्ट टेक देम एंड डंप देम ऑन टू अ टिप, तो उन्हें ऐसा नहीं कि आप उन्हें इस्तेमाल करते हो और उसे कूड़े की तरह कूड़े के स्थान पे फेंक देते हो। Tie them in a bundle and put them in the skip, तो उन्हें अच्छे से बांध दो और उन्हें क्या करो, कचरा फेंकने वाले जगह पे एक ओपन एरिया में जाकर उसे डंप कर दो, जिसे उसका बाद में लोग चाहे तो इस्तेमाल कर सके। वॉइस टू, यहाँ पे दूसरी वॉइस बोलते हैं, गेट कलेक्टिंग प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर्स अप टू यू, तो इस भविष्य को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। सेव और योर ओल्ड ग्लास बॉटल्स एंड योर जैम जार्स टू, तो तुम्हारे जितने भी पुराने ग्लास के बॉटल्स है और जैम के जो जार है उसे तुम क्या करो, टेक देम टू द बॉटल बैंक, उन्हें बॉटल बैंक में ले जाओ। देन एट द फैक्ट्री द ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड सेविंग एनर्जी, और जब तुम उन्हें बॉटल बैंक में ले जाओगे तो लोग उसे फैक्ट्री में ले जाएंगे, जिसके बाद वह ग्लास दोबारा इस्तेमाल करने लायक हो जाएगा, जिससे हमारी एनर्जी बचेगी, शक्ति बचेगी। अब यहाँ पे वर्स थ्री आता है, डोंट चक अवे द एम्प्टी ड्रिंक कैन, जो भी हमारा ड्रिंक कैन होता है जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उसे दबा के मत फेंको। रिमेम्बर व्हाट आई सेड, याद रखो मैंने क्या कहा। स्टार्ट रिसाइक्लिंग मैन, दोबारा से रिसाइकल करना शुरू कर दो। वॉश इट, उसे धो। स्क्वैश इट, उसे दबाओ। स्क्वीज इट, उसे चपटा कर दो। फ्लैट एंड थिन, बहुत ही ज्यादा पतला। टेक इट टू द सेव ए कैन, उसे सेव ए कैन के पास ले जाओ। यह एक तरह का एक कंटेनर होता है जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक के कैन को डाला जाता है ताकि उसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। तो क्या बोला जाता है, टेक इट टू द सेव ए कैन एंड पोस्ट इन इट, तो उसे सेव ए कैन ले जाओ और उसे वहां पर डाल दो।
आगे बोला जाता है ऑल, सभी लोग बोलते हैं लिसन टू मी चिल्ड्रन, मेरी बातों को सुनो बच्चों, हियर व्हाट आई से, मैं जो कहता हूँ। यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, आप सभी को रिसाइकलिंग करना शुरू करना पड़ेगा। इट्स द ओनली वे टू सेव द प्लैनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि यह एकमात्र तरीका है जिससे हम हमारी आने वाली जनरेशन को बचा सकते हैं। द नेम ऑफ द गेम इज रिक्लेमेशन, इस गेम का नाम है रिक्लेमेशन, मतलब चीजों को पुराने रूप में लाना। यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, आपको रिसाइकलिंग करना शुरू करना पड़ेगा। यू नो इट मेक्स सेंस, आपको पता है इसका मतलब होता है। यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, आपको रिसाइकलिंग करना शुरू करना पड़ेगा। स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस, तो फेंस पे बाल पे बैठना बंद करो। नो मोर पुसी फुटिंग, बेवजह की बातें और बेवजह की अपनी राय देना बंद करो। नो मोर क्लैप ट्रैप, अब किसी भी तरीके का फालतू की बकवास करना बंद करो। गेट योर सेल्फ डूइंग द रिसाइकलिंग ट्रैप, तो चलो वापस तुम लोग खड़े हो और रिसाइकलिंग रैप करना शुरू करो।